शो अनुपमा देखते ही देखते छोटे पर्दे का सबसे पॉपुलर सीरियल बन चुका है। जब से ये शो शुरू हुआ है तभी से टीआरपी पर राज कर रहा है। रूपाली गांगुली, सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा स्टारर अनुपमा की कहानी ऑडियंस को खूब पसंद आई। वहीं रूपाली गांगुली को उनके किरदार अनुपमा के लिए खूब प्यार भी मिल रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि असली अनुपमा रूपाली गांगुली नहीं बल्कि कोई और ही एक्ट्रेस है? जी हाँ, रूपाली गांगुली से पहले कोई और अदाकारा है जो अनुपमा का ओरिजिनल किरदार कर चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कौन है वो एक्ट्रेस? तो आपको बता दें कि उस एक्ट्रेस का नाम है इंद्राणी हल्दर। दरअसल अनुपमा टीवी सीरियल की ओरिजिनल कहानी श्रीमोई टीवी सीरियल से ली गई है। श्रीमोई एक बंगाली सीरियल है जिसका प्रीमियर 10 जून 2019 को हुआ था और सीरियल में श्रीमोई का किरदार इंद्राणी हल्दर निभा रही हैं। इसी बंगाली सीरियल का हिंदी रीमेक है अनुपमा, जिसकी शुरुआत 13 जुलाई 2020 को हुई और इसमें अनुपमा का रोल रूपाली गांगुली निभा रही हैं। हालांकि रूपाली ने अनुपमा के किरदार को इतने बेहतरीन तरीके से निभाया कि किसी को लगा ही नहीं कि ये किसी दूसरे शो से कॉपी किया गया है। बात की जाए असली अनुपमा यानी कि एक्ट्रेस इंद्राणी हल्दर की, तो इंद्राणी ने अपने एक्टिंग की शुरुआत टेलीविजन सीरियल 13 परबन से की। बाद में वो 2008 से 2013 के दौरान हिंदी टीवी सीरियल में एक्टिंग करने के लिए मुंबई में रहीं। उन्हें रानी मुखर्जी के साथ बंगाली फिल्म बायर फूल में भी देखा गया, जिसमें इंद्राणी को खूब पॉपुलैरिटी मिली थी। इंद्राणी ने बॉलीवुड स्टार मिथुन चक्रवर्ती के साथ उनकी फिल्म भैरव में भी काम किया है। बंगाली इंडस्ट्री में इंद्राणी के काम की तुलना अक्सर ऋतुपूर्णा सेन गुप्ता और देवश्री रॉय से की जाती है, जो बंगाली इंडस्ट्री की बड़ी एक्ट्रेसेस है। फिल्म के साथ साथ वो टेलीविजन में भी काफी काम करती रही। आपको बता दें कि इंद्राणी को अक्सर क्वीन ऑफ बंगाली टेलीविजन इंडस्ट्री कहा जाता है। उन्हें कई बार नेशनल अवार्ड और 3 PFGA पुरस्कार और 2 आनंद लोक पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। बात की जाए श्रीमोई टीवी सीरियल की कहानी की, तो इस शो की कहानी बिल्कुल अनुपमा की तरह है, जिसे काफी पसंद किया गया। हालांकि जिस तरह से अनुपमा शो ने कमाल किया और कामयाबी हासिल की, उसके आगे अब ये ओरिजिनल शो फीका पड़ चुका है।